दिल्ली दंगों के आरोपी ने युवक को पीटा, लगवाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। मुजफ्फरपुर में 13 साल की लड़की को किडनैप कर किया गैंगरेप, बेहोश होने तक 5 घंटे तक करते रहे दरिंदगी। चुनाव रणनीति भाजपा का नया नारा, आखिर बंगाल की बेटियां क्या चाहती हैं? बीजेपी विधायक के साथ तैनात पुलिस वाले परेशान, कहा घरेलू काम करवाते हैं एमएलए पति। सचिन वजह के लिए 5 स्टार होटल में 100 दिन के लिए बुक था कमरा, 5 बड़े काले बैग और एक महिला के साथ की थी एंट्री। दमोह में बस स्टैंड पर भीषण आग, बुरी तरह जलकर खाक हुई 7 बसें। पीएम मोदी पर पाकिस्तानियों ने उठाए सवाल, तो बांग्लादेशियों ने जमकर धोया अदरक का दाम पूछकर किया बेइज्जत। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े दौड़ करके 2 दोस्तों को मारी गोली, 1 की मौत। दिल्ली में गला घोटू गैंग का कहर, एक और वारदात को दिया अंजाम, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा, भारतीय युवा क्रिकेटरों को दोबारा नहीं मिलेगा ये मौका। 4 करोड़ की गाड़ी को खरीदने के लिए 1 साल तक किया इंतजार, डिलीवरी के मात्र 6 घंटे के भीतर चकनाचूर हो गई कार। अंडर कंपनी का बेचा जा रहा था नकली माल, शोरूम संचालक पर केस दर्ज। लॉकडाउन में मुंबई से आकर महिला ने मुरादाबाद में खोल लिया स्मैक बार, 7 बेटियां हैं बार डांसर। 20 साल से पिंजड़े में बंद था कछुआ, छूटते ही बच्चों के लिए तय किया 37,000 किलोमीटर का सफर। असम में बीजेपी कांग गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर, यूपीए का वोट 10% बढ़ने का अनुमान। दिल्ली प्रगति मैदान के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। अब दिल्ली में भी चला सीएम योगी का बुलडोजर, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन कराई कब्जा मुक्त। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।